मोदी सरकार ने जब से सत्ता में वापसी की है कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस शासित राज्यों में तो बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लग ही रहा है, वहीं गैर कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों में भी बीजेपी पार्टी को तोड़ने का खेल खेल रही है। अब गोवा में भी कांग्रेस ने बीजेपी पर कुछ इस तरह के आरोप लगाए हैं। क्या गोवा में बीजेपी रच रही है साजिश? कांग्रेस विधायकों को तोड़ना चाहती है पार्टी? क्या गोवा में खेला जा रहा है खरीद फरोख्त का खेल? ये तमाम सवाल गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख गिरीश चोडनकर के बयान के बाद उठ रहे हैं। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी के विधायकों को पाला बदलने के लिए 40 करोड़ रुपए और राज्य संचालित निगम की अध्यक्षता समेत कई पैकेज की पेशकश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एटीएम जैसे कसीनो और राज्य संचालित गोवा राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम में भ्रष्टाचार कर पैसे हासिल कर रही है। गिरीश ने कहा कि उनकी पार्टी सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि विधायक प्रलोभन को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी ने गिरीश के इस दावे को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख पाने में नाकाम हो रही है और झूठे आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की गोवा इकाई के प्रमुख विनय तेंदुलकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस के 4 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। उनके इसी बयान को लेकर चोडनकर का ये बयान सामने आया है। गौरतलब है कि सूबे में कांग्रेस के 17 विधायक हैं, जिनमें से 4 के नाता तोड़ने की खबरों ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। पार्टी बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। वैसे ये हाल सिर्फ गोवा का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जिसे लेकर पहले ही घमासान छिड़ा हुआ है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।